देखो अगर वो अपने काम पर, कारोबार पर, ऑफिस पर तवज्जो नहीं देगा, कमाएगा नहीं, तो तुम्हारा, बच्चे का, अपनी फैमिली का ख्याल कैसे करेगा? नहीं कर सकेगा वो। आप मुझसे पूछ रही है आपकी बच्ची की हालत कैसी है? डॉक्टर साहब बताइए, एनी ठीक तो है ना? देखिए उसकी हालत बहुत ख़राब है, खून की बहुत कमी है, हमें 2 बोतलें ए पॉजिटिव की अरेंज करनी होगी, बच्चा और माँ की जान खतरे में। सायका, सायका कहाँ चली गई? बच्चे भी नहीं है घर पे। सायका कहाँ हो भाई? अभी अभी फोन आया है। एनी क्या बेटी हुई है माशाल्लाह से, सब अस्पताल में। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो एक और अच्छी खबर मिल गई। एक और क्या मतलब? मतलब मोबाइल शॉप मेरे नाम पर हो गई है। ये तो बहुत खुशी की खबर है, बहुत मुबारक हो आपको फराज साहब। अच्छा मैं सोच रही थी कि चलते हैं अस्पताल, बच्ची और एनी को देख लेंगे। लेकिन थक गया हूँ मैं बहुत। तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ, मेरी तरफ से भी मुबारकबाद दे देना, लेकिन जाने से पहले चाय पिला दो प्लीज। अच्छा चलते तो अच्छा होता, ठीक है। आ जाएंगे तो मुबारकबाद दे देंगे ना। लाती हूँ चाय। थैंक यू। कहाँ थे तुम? मैं बाहर था। है तो अंदर भी तो आ सकते थे ना। कैसी है तबीयत, कुछ बेहतर हुआ? ठीक हूँ मैं, तुम्हें क्या हुआ? मुझे बिहेव कर रहे। वैसे ही बस वो सोच रहा था तुम्हारे और बच्ची के बारे में। अजीब से बोलता ना, यहाँ हमारी बच्ची माँ बाप बन गए। उससे ज्यादा अजीब बात तो तब होगी जब हम दोनों को मम्मा पापा कह के बुलाएगी। तो ये सोच के अजीब सा हो रहा है कि इसको संभालूंगी कैसे? उसके हाथ पैर देखो, छोटे से, इसको संभालना कितना मुश्किल होगा, और घर के काम और साथ साथ पढ़ाई भी कैसे करूंगी? छोड़ो यार उस चीज की फिक्र, चाची घर के काम देख लेंगे, इसको भी संभाल लेंगे, फिर तुम पढ़ लेना आराम से। नहीं होगा फिर, उससे भी अम्मा बहुत काम करती हैं, अपनी जिम्मेदारी भी उन पर डाल दें। ये तो रो रही है, इसे चुप करवा दो। ये हो रही है, क्या करूँ उसका? मैं चाची को बुला लेता हूँ, फिर ये करता हूँ, वही चुप कराएंगे। सायका अपा की कॉल मेरे नंबर पे। हेलो जी आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? फैमी कहाँ है? फैमी जो है वो किचन में काम कर रही है, आप होल्ड करें मैं बात करवा। अरे नहीं नहीं, हमने आपसे ही बात करने के लिए फ़ोन किया है। जी बोले। असल में फैमी आई थी आज घर पर, न जाने वो और हबीब मिलके क्या खुसर पुसर करते रहते हैं, और हबीब पता नहीं उसे क्या पट्टी पढ़ाता है। ये दोनों अभी भी जरीन भाई के बिजनेस के पीछे पड़े हुए हैं। आप क्या कह रही हैं, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। हम आपको बता रहे हैं ना,
हर दूसरे तीसरे दिन फैमी हमारे यहाँ आती है और न जाने हबीब और ये मिलके क्या खिचड़ी पकाते रहते हैं। आज तो हबीब ने एक लिफाफा भी दिया है फैमी को, हमें लगता है उसमें कोई भारी रकम है। सुन रहे हैं ना आप मेरी बात? जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ। बस सोच रहा हूँ कि फैमी ऐसा क्यों करेगी, वो क्यों हबीब से जाके पैसे लेगी। मैं अपने बीवी और बच्चे को हक हलाल की कमाई खिलाता हूँ और हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं। वही तो, हम तो जानते हैं ये बात, इसीलिए तो हमने आपको कॉल की है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप कितने खुददार हैं। आप जरा फैमी से पता कीजिएगा। जी आपा, मैं आपसे बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज। चले, अल्लाह हाफिज। आ जाओ भाई, आ जाओ, घर आ गया, घर आ गया। ओ, ओ ये देखो भाई, मुबारक हो, मुबारक हो, इतनी प्यारी। रुके रुके, नजर उतारनी है। फराज साहब पैसे दे। पैसे? अरे पैसे देना, नजर उतारनी। ओए ओए ओए, एक मिनट जमीना भाभी, एक मिनट भाई, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि तुम अस्पताल आओगी। भाई हम तो आने वाले थे, बस फराज साहब ने कहा देर हो गई। हाँ भाभी, फिर वो हमने सोचा कि सुबह में आपको वेलकम कर लेंगे। अम्मा होती तो कितना खुश होती। जही भाई भी इधर दे, इधर दे मुझे। चलो अच्छा है, कोई तो होना चाहिए था ना घर पे भी। अम्मा कहाँ है? हबीब कहाँ है सर? पता नहीं। हबीब, हबीब कहाँ है भाई, उसको बुलाओ। नाना बन गया है वो, बेटी से ना सही नवासी से ही मिलने। हबीब तो सुबह से है नहीं घर पे, है नहीं। तुम्हें मुबारक हो बहुत बहुत। चलो कोई बात नहीं, आओ जाओ सही। सजाद, आप ऑफिस नहीं गए? हाँ, बात करनी थी तुमसे। मुझसे? हाँ बोले, क्या बात है? पूछता था कि नहीं जाती दूसरों का बुरा सोच सोच कर। क्या बात है, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? जाकर हबीब से पैसे मांग कर आई हो और मुझसे पूछ रही हो क्या बात हुई है। आपको किसने बताया? जरूरी ये नहीं है कि मुझे किसने बताया, जरूरी ये है कि तुम मेरी इजाजत के बगैर अपनी मजबूरियों का रोना रोकर अपने मैके से पैसे लेकर आई हो। हाँ तो नहीं गुजारा होता आपकी रुखी सुखी कमाई में। चुप कर जाओ। तुम्हें पता है ना कि हबीब ने वो पैसे जहीर भाई के कारोबार में गबन करके कमाए हैं। हराम है वो पैसे मेरी फैमिली पर, मेरी बच्ची पर। तो पहले अपनी बेटी के ना सारे शौक चेक कर ले, उसे सारे ब्रांडेड कपड़े, सारे ब्रांडेड जूते चाहिए। और हाँ, वैसे भी मैं उसकी जेसी की तैयारी शुरू करने वाली हूँ। शादी करनी है मुझे उसकी, सारी जिंदगी बिठा के नहीं रखना मुझे घर पे। जैसे अच्छा रिश्ता मिलेगा चलता कर दूंगी, और ये हलाल और हराम का फैसला बाप ने करते रहिएगा। एक दो तीन। ये चाहिए तुम्हें? चाहिए? अगर इससे चुप नहीं होनी तो फिर इसका फायदा क्या? ये। और जोर से रो। अम्मा, अम्मा, चुप हो जाओ बस, चुप चुप चुप। क्या हुआ
आईनी अम्मा चुप ही नहीं हो रही है क्या चाहिए ऐसे कब से कोशिश कर रही हूँ दूध कब दिया था इसे मुझसे नहीं संभाली जाती है रोती रहती है आप संभाले कोई बात नहीं थोड़ी सी लेट हो गई अम्मा अभी दूध आ जाता है अभी अरे इस घर में तो अजीब ही कोई हलचल मची हुई है एक दो दिन सबर करना पड़ेगा तुम्हें हाँ थोड़ा टाइम बस तुम एक काम करो ना भाई भाभी को और वो दोस्त वगैरह जो भी मिल जाएं तुम्हारे उनको रेडी करके रखो सही है ताकि जैसे ही मैं बोलूँ तुम पहुँच जाओ हाँ अरे सचमुच के मांग कौन रहा है भाई झूठी मूठी ही सही हाँ और हाँ एक मिठाई का डब्बा भी लेके आना बड़ा सारा ताकि इन लोगों को लगे कि कुछ अच्छे खाते पीते तरीके के लोग हैं हेलो हाँ हेलो आवाज आ रही है चुप करो चुप करो क्या करूं फाखर अभी मैंने इसे लटाया था वापस रोने लग गई है या तो तुम इसको गोद में ले लो ना और टहल वहल लो फिर सही हो जाएगी देखो ऐसे गोद में नहीं उठा रही हूं फाखर अभी तक मैंने इसे गोद में उठाया नहीं है इतनी छोटी सी अगर ये मुझसे गिर गई तो मुझे डर लगता है तो तुमसे नहीं संभाली जाएगी तो तुम एक काम करो तुम चाची को बुला लो वो देख लेंगे बुलाओ मैं अम्मा को नहीं उठा रही उन्होंने पूरा दिन इसको ही संभाला और साथ साथ किचन के काम भी किए वो अभी अभी सोई है अभी उन्हें उठाऊंगी ना तो वापस से उन्हें सर में दर्द होगा तो एक काम करो ना फिर मुझे नहीं समझ आ रही भाई फाखिर फाखिर कहाँ है तैयार नहीं हुआ बस बड़ी में तैयार होने लगा इसकी गर्दन ऐसे सीधी रखो हाँ हाथ ऐसे रखो गर्दन नहीं मिल चाहिए अरे तुम तैयार नहीं हुए अभी तक ये क्या हो लिया इस तरह जाओगे ऑफिस सही तो है कल ही पहनी वाली शर्ट कल तक तो ठीक लग रही थी आपको कुछ इतिहास कर तुम जहीर अहमद के बेटे हो कितने खुश लिबास थे तुम्हारे बाबा बदलो ये कपड़े हरगिज ऐसे नहीं जाओगे तुम इसको वो दूसरी वाली शर्ट दो जल्दी से इस्त्री की हुई है ना बदलो हाँ बड़ी अम्मी बेबी की वजह से मैं सारी रात सोई नहीं थी तो मैं इसकी शर्ट इस्त्री करना भूल गई लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि ऐसे जाए ऐसे करो ये इनाया को कॉट में डालो इनाया जहीर को ये नाम बहुत पसंद था इनाया इसलिए मैंने सोचा है कि आज से ये अनाया चलो अनाया को कॉट में डालो जल्दी से कपड़े इस्त्री करो तब तक पाकर नाश्ता करता है चलो चलो बेबी छूचो छूचो आलिया तुमको आलिया सूरज सर पे आ गया कब हंडिया चढ़ेगी कब हम खाना खाएंगे अरे अम्मा ये सोए तो मैं जाऊँ ना किचन में
अरे हाँ पीपल, लाओ इसे मुझे पकड़ाओ और तुम किचन में जाओ हैं, मैं संभाल लेती हूँ। वैसे बुरा मत मानना आलिया, तुम बड़ा रेंग रेंग के काम करती हो। तुलो आफ्ताब पे जो बावर्ची खाने में जाती हो तो गुरुब आफ्ताब हो जाता और खाना ही नहीं बन पाता। अम्मा असल में मुझे सनीके और सफाई से काम करने की आदत है ना। ओफो, तो हम तो झटपट काम करते हैं तो हम फोड़ हैं, हैं? हमें सलीका नहीं है। अब ऐसा तो नहीं कहा मैंने अम्मा, चले बताए ना क्या बनाऊँ आज। अरे जमशेद रख गया होगा ना कुछ सब्जियाँ, लौकी तोरी आलू भिंडी कुछ भी बना लो मैं खा लूँगी। अम्मा जमशेद को भिंडी बहुत पसंद है, वो बना लूँ आज? हाँ हाँ बना लो। अरे हाय तुमने पिछली दफ़ा जो भिंडी बनाई थी आलिया, भिंडी से नफरत हो गई मुझे तो, ऐसी लेसदार जबान पे वैसे करंट लगा मुझे, वो मत बनाना लेसदार वाली ठीक है। तो फिर आप ही बता दें कैसे बनाओ। ऐसे करो भिंडी की ना ऐसे महीन महीन टुकड़े करो, ऐसे ट्रे में सजा दो यूं करके, उस पर मिर्च नमक मसाला सब डाल के और फिर तेल में उसको कुरकुरा कर लो, ऐसे तल लो, 2-3 मिनट लगेंगे, देखो कैसी शानदार कुरकुरी भिंडी तैयार होती है। अरे वाह अम्मा ये तो बहुत आसान है, तो आप मुझे पहले ही बता देती ना, मैं ऐसी भिंडी बनाती पहले दिन से। मेरा ही कसूर है, पहले हम झगड़ते कितना थे आलिया हैं, कब बताती मैं तुम्हें। अम्मा दोस्ती भी तो हमारी मुन्ने ने कराई है। हाँ ये बात तो है, हाय मेरा प्यारा पोता। अरे एनी तुम ये यूनिफॉर्म में क्या कॉलेज जा रही हो? ऐसे से तुम गई नहीं थी, मैंने सोचा शायद छोड़ दिया। नहीं बड़ी अम्मी, मैंने प्रिंसिपल से इजाज़त ले ली थी, उनसे बात की थी मैंने 4 महीने की गैप की। तालीम मेरा ख्वाब है, मैं कभी इसे अधूरा नहीं छोड़ सकती। हाँ मैं जानती हूँ, अब बैठो मेरे पास बैठो। मैं जानती हूँ तुम्हें पढ़ाई का कितना शौक है, तुम्हारा ख्वाब है और मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ो। तुम हमारे घर की नहीं बल्कि हमारे खानदान की सबसे अच्छी और लायक बच्ची हो, तुम्हें पढ़ना चाहिए। लेकिन ये जो 3-4 महीने का गैप दिया है तुमने, इसमें तो बहुत सारी पढ़ाई हो गई होगी ना, वो कवर कैसे होगी? आप एक मशवरा दो। कैसा मशवरा? तुम प्राइवेट इम्तिहान क्यों नहीं देते? क्या मगर बड़ी अम्मी, अगर मैं प्राइवेट इम्तिहान दूंगी तो फिर मैं अपने पसंद के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ पाऊंगी। ये तो है, ये तो सही बात है, लेकिन मुझे लगता है इतनी कुर्बानी तो तुम अपनी बेटी के लिए दे ही सकती हो। कैसे होगा? मुझे तो लगता है कि इसी में तुम्हारा फायदा है, इतनी सारी पढ़ाई है उसको तुमने कवर भी करना है। याद है ना तुम्हें तुम्हारी शादी हुई थी, तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे क्लास फेलोज कितना मजाक उड़ाया था तुम्हारा, तुम कितना रोई थी, मैं संभलने में कितना वक्त लगा था। अब तो तुम्हारी एक बेटी भी है, सामना कर पाओगी सबका। अब ऐसा नहीं होगा, मैंने प्रिंसिपल से वादा लिया था कि वो स्टूडेंट्स में से ये बात किसी को नहीं बताएंगी। 3-4 महीने का जो मेरा ऑफ हुआ उसका मैं कोई और बहाना कर दूंगी। ये बातें छुपती नहीं है। खैर और जो सारा दिन आधे से ज़्यादा देर तुम घर से बाहर रहोगी तो फिक्र नहीं होगी तुम्हें अनाया की? अम्मा ने कहा है कि वो संभाल लेंगे अनाया को मेरे आने तक।
वो बेचारी उसका माइग्रेन, सारा सारा दिन तो वो तकलीफ में अंधेरे कमरे में पड़ी रहती है। और वैसे भी तुम अनाया की माँ हो, आयशा नहीं, अनाया तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। देखो मेरा मकसद तुम्हारी हौसला शिकनी करना नहीं है, मैं तो हमेशा से चाहती थी कि तुम पढ़ो। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम जो भी फैसला करो, फैसला तुम्हारा ही है, तुम्हें ही करना है। तुम जो भी फैसला करो, अपने हालात को, अपनी जिम्मेदारियों को देखते हुए करो। और ठीक, तुम्हारे हालात बदल गए हैं और जो तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं वो तुम्हें ही पूरी करनी है ना। जो भी फैसला करो सोच समझ करना। ठीक। नहीं है पागल घर पे, अब एक जिम्मेदार इंसान है वो, तुम्हारी तरह निकम्मा नहीं रहा। अपने बापा कारोबार भी संभाल रहा है, फैमिली भी संभाल रहा है, तो नन्ही सी बच्ची का अब्बा भी बन गया है वो। अब तुम लोगों की तरह निकम्मा नहीं रहा, ज्यादा के निकम्मे दोस्त ढूंढो अपने। नानी बेचनी गई और ये नाक नाना बेचनी गई और ये बाले बाले होट। क्या हुआ, कॉलेज नहीं गई अभी तक? नहीं जा रही। ले एक सेकंड गुड़िया, कॉलेज क्यों नहीं गई पहले मेरी बात का जवाब दो। सो अम्मा मैं इसके एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आप पर क्यों डाला? तबीयत भी तो ठीक नहीं होती ना, और मेरे कॉलेज जाने की वजह से घर के भी सारे काम आप पर पड़ जाते। तुमसे किसने कहा ये सब? तुमको और फायजा को नहीं पाला, सारे घर के काम करते करते ही पाला है ना, इसको भी ऐसे ही पाल लूंगी है ना नानी। तो कर रही उसे तो एक अच्छी बेटी बनना, ख्याल रखना, बोझ बन के नहीं रहना। तुमसे किसने कहा, किसने कहा कि तुम अच्छी बेटी नहीं, तुम अच्छी बेटी हो जान? समीना बाबी ने कुछ कहा है? बोलो। अगर उन्होंने कहा भी है तो वो गलत थोड़ी ना कहते। मैं अपनी खुद गलती में भूल गई थी अम्मा के कि तबियत भी ठीक नहीं रहती, आपको कोई तो आराम की जरूरत है ना। मेरी बच्ची है, मैं इसकी जिम्मेदारी आपके साथ डालकर स्कूल जाऊँ और अपनी पढ़ाई पूरी करूँ, गलत है? एनी तुम्हें पढ़ना होगा, ये वादा है मेरा तुमसे। पढ़ी रही हूँ ना इस घर में नौकरानियों की तरह, बर्दाश्त कर रही हूँ ना उस राहिला को जिसको मेरे सर पर लाकर रख दिया है, सारे रिश्ते सारे ताने सह रही हूँ, क्योंकि इस बात का एहसास हो गया है मुझे एक औरत का तालीम हासिल करना कितना ज़रूरी होता है। अगर बड़ी अम्मी, बड़ी अम्मी को जब साफ घर, गरम रोटी और ताज़ा खाना और हंसती हुई पोती नजर आएगी ना, तो उन्हें भी कोई एतराज़ नहीं होगा तुम्हारी पढ़ाई से। तुम्हें पढ़ना है, और कौन सा सारा दिन वहाँ पर रहोगी? कुछ घंटों के लिए तो कॉलेज जाती हो, जब तक मैं संभाल लूँगी ना, फिर आकर तुम देख लेना। सच अम्मा, सच मेरा बच्चा, सच जाओ कॉलेज,
हम दोनों इंतजार करेंगे। अब जाओ जाओ मेरे बच्चे जाओ। मम्मा जा रही है, चल दीजिए। नहीं, नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे इसलिए लंबी छुट्टी ले ली। तो तुम ना एडमिन ऑफिस जाके चेक तो कर लो, पता है वो 4 महीने की छुट्टी पे ना एडमिशन कैंसिल कर देते हैं। नहीं, मैंने प्रिंसिपल से बात कर ली थी, उन्होंने एडमिशन ऑफिस पर बता दिया होगा, मेरा नाम नहीं हुआ होगा कैंसिल। चलो अब तुम आ गई हो ना तो मेरी मैथ्स की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर देना। और मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की, तुमने एक भी मेरी कॉल नहीं उठाई। मैथ की प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, अब तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स ना मेरी प्रॉब्लम्स, लेकिन तुम्हें भी एक मसला मेरा हल करना होगा। क्या? 4 महीने की मैंने छुट्टियाँ की है ना, उसका सारा काम देना पड़ेगा तुम्हें। डील हो गई, तो क्लास पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, The characteristics, the characteristic of log 4, 6, 8, 9 is 3, thus log 4. Pa, hi, boss. Pa, kill, push. Oh my, boss. Ah, boss, kill. बस करो। क्या रहनी है, क्यों रो रही है? फैजा एक काम करो, अम्मा को बुला दो प्लीज। अम्मा खुद सो रही है, अभी तक नहीं उठी। मैंने इसीलिए स्कूल की ऑफ कर दी, सोचा तुम्हारी हेल्प कर लूंगी घर के कामों में। थैंक यू फैजा। हां कनेक्ट ऑन करो, तुम मुझे आलू काट दो। खुल के नहीं तो ये मुझे डायपर का पैक पकड़ो। ये ले, मैं आलू काट देती हूँ, ठीक है? छोटे छोटे पीसेस में काट लें। मैं काट देती हूँ। हाँ लिया, क्या हाल है? जी राइलावा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम तो बहन को बिल्कुल भूल ही गई हो। हाँ कैसी हो, भांजा कैसा है मेरा? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी ठीक हूँ और आपका भांजा भी ठीक है, बस थोड़ी सी मसरूफ हो गई हो। तो मसरूफ तो पहले भी होती थी मेरी जान, मैनेज करती थी ना चीज़ें। हाँ मुझे तो याद कर लिया करो। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा बताएं ना, आपने कैसे कॉल की? वो फिर तो तुम्हारी खैर खैरियत भी लेनी थी। दूसरा एक छोटा सा काम था तुमसे। एक्चुअली मैं ना तुम्हें एक पिक्चर सेंड कर रही हूँ एक लड़के की, तुम जमशेद भाई और उनकी अम्मा को दिखा देना। एक्चुअली वो लड़का मैंने ना फायजा के लिए पसंद किया है, मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी हो जाए उससे। नापा फाइजा तो बहुत छोटी है अभी। ये तुम्हारा मसला नहीं है ना आलिया, ये हम देख लेंगे खुद। तुम समझो ना, मैं चाहती हूँ इस घर से सब चले जाए, मैं और हबीब अकेले होंगे तो अभी तो मेरी जिंदगी सुकून में आएगी। आलिया इसे कैसे? आपको क्या लगता है, मेरे कहने पे अम्मा और जमशेद आयशा अब्बा को मना लेंगे? तुम्हें मनाना आना चाहिए ना मेरी जान, वो प्यार करता है तुमसे, मैं भी तो बात करती हूँ ना हबीब से। अच्छा ठीक है आपा, मैं कोशिश करती हूँ, मैं पक्का नहीं कह सकती आपसे। अच्छा छोड़े ना, और बताएं घर में सब कैसे? इस घर में सबसे फालतू सायका है, सबसे पहले उसकी छुट्टी होनी चाहिए। इस वक्त तो मैडम चैन की नींद सो रही होंगी। क्यों ना उसकी जिंदगी में थोड़ी
हलचल मचाई जाए। कौन? सलाम वालेकुम आंटी, फाकिर घर पर है? वालेकुम अस्सलाम, नहीं है फाकिर घर पे। अब एक जिम्मेदार इंसान है वो, तुम्हारी तरह निकम्मा नहीं रहा। अपने बाप का कारोबार भी संभाल रहा है, फैमिली भी संभाल रहा है, तो नन्ही सी बच्ची का अब्बा भी बन गया है वो। अब तुम लोगों की तरह निकम्मा नहीं रहा, ज्यादा के निकम्मे दोस्त ढूंढो अपने। फाकिर घर पे जाओ। नाश्ता। अब क्या हुआ? चल के हाथ दिखाओ, तुम्हारा दिखाओ। नहीं नहीं, इतना ज्यादा नहीं, चलो कोई बात नहीं। नहीं छोड़ दो छोड़ दो, वैसे भी नायर हो रही है, मैं जल्दी से मैंने नाश्ता पकाओ। ठीक है, गरम तेल के छींटे बना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जल्दी कसो यार, मुझे लेट हो रहा है, प्लीज। चलो फाखर, मैं ना तुम्हें ब्रेड निकाल के देती हूँ। ब्रेड दे रही हो मुझे अभी? आखिर बस प्लीज आज के दिन खा लो। हाँ, आज मेरी 8 बजे वाली क्लास है, जिस दिन मेरी 9 बजे वाली क्लास होगी ना, मैं तुम्हें दे दूंगी, पराठे बना के दे दूंगी। अरे ब्रेड तो ले जाओ, दो ये लो। सही, फाखिर ये मैनेजर साहब ने सप्लाई की एक्सेल शीट बना के दी, इसको ज़रा अभी देख लो। देख लूँगा यार अम्मा अभी, ये वैसे भी समझ ही नहीं आती मुझे, जो जो चीज़ें हम रोज़ साइन वाइन करके दे रहे होते हैं। ये क्या कह रहे हो? अरे समझ नहीं आती तो समझो, समझना होगा तुम्हें भी और मुझे भी। कारोबार सिर्फ मिल्कियत का नाम नहीं है, इसे समझना पड़ता है, चलाना पड़ता है, अरे मुनाफा बख्श बनाना पड़ता है, ऐसे तो काम नहीं चलता। भाभी। हाँ मैम। आओ अंदर आज। आओ। वो मैं ये कह रहा था कि आप सप्लाई शीट ज़रा अच्छी तरह से देख लीजिएगा, आज माल दूसरी जगह से आ रहा है। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, ये फाखिर देख रहा है ना, ये देख ले तो फिर साइन करके देता है। फाखिर आम बहुत समझदार है, 2 मिनट में पढ़ लेते हैं ये शीट। मैं और भाई साहब तो 1-1 घंटा सोचते थे इस पर। मैं भी जो है ना वो देखभाल के सोच समझ के जो है ना साइन करके देता। हाँ ठीक है, ठीक जरूर, ठीक सही है, ठीक है बाप। ये अभी भी क्या बच्चा ही सोचते मुझे? जाहिर है तुम अपना बचपना घर छोड़कर नहीं आते ना, ऑफिस लेकर आते हो, इसलिए संजीदा नहीं हो तुम काम के बारे में, इसलिए इसको पकड़ो। ऐसे ही बोल दिया। कौन बोल रहा है? एनी, उष्णा, अपने नोटबुक पे फोकस करो। यस मैम। खावर साहब, फाखिर ये सप्लाई वाली फाइल देख रहे हैं,
देख लेंगे तो फिर साइन करके आपको दे रहे हैं। ओके okay, मैं जा रही हूँ वहाँ, बाकी फिर आप जरा देख लीजिए। राइट राइट दाफिस लाफिस शुक्रिया। जी फाकिर साहब, आपने डिटेल्स देख ली है सारी, जहाँ से धागा आएगा वो नए लोग हैं। वो ही देख रहा था मैं। दरअसल मसला ये हुआ है कि मेरा एक दोस्त है बेचारा, उसका बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, वो बड़ा क्लोज है मेरे, तो मैं सोच रहा हूँ बस उसकी तरफ निकल जाऊँ ना, उससे मिल भी लूँ बेचारे को, पता नहीं क्या हालत होगी। आप बस देख लीजिए फाइनल, आप जो समझ आए आप करें, मैं वापसी आता हूँ तो फिर इस बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है ठीक है सही है ठीक है ओके नाफिस। ये क्या हो क्या आगे जाते ही मुन्ने मियां चले गए? क्या बताएं अबीर साहब, माँ जबरदस्ती रोज लाती है इसको पकड़ के। दिखाओ मुझे, मैं देखता। ये लेटर ऑफ गारंटी कल लगा है ना? कपड़े चेंज करके आती हूँ। सालन बन गया है, रोटियां डाल दो आके। आयशा आ जा। मैं संभाल लूंगी। मैं आपकी हेल्प करती हूँ। हाँ आज अब तो